नमस्कार दोस्तों, लर्निंग हम आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू एडिटोरियल में पहला वीडियो में मॉर्निंग के समय दे चुका हूं दोपहर में। आज का ये दूसरा वीडियो है। आज की इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कंधार अटैक। तालिबान का अटैक हुआ है कंधार में या अफगानिस्तान में, और इस अटैक के अलावा हम जो पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में वो ये है कि जो अफगानिस्तान में वहां पे चुनाव होने वाले हैं, और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है वहां पे तालिबान का जो अटैक है वो बढ़ता ही जा रहा, और बहुत सारे महत्वपूर्ण संस्थानों में टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को भी वहां पे मारे गए हैं, वहां पे हमला किया जा रहा है तालिबान के द्वारा। तो इन सभी स्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे, तालिबान की जो बढ़ती हुई शक्ति है और वहां के सिक्योरिटी ऑफिशियल्स पे जो अटैक हो रहे हैं, इसके अलावा जो पीस प्रोसेस है, अफगान इलेक्शन है, इन सभी पॉइंट पे भी डिस्कस करेंगे। और जो यूएस का जो ओवरऑल इसमें रोल है उस रोल पे भी डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन। इससे पहले दोस्तों आपको बता दूं, अगर वीडियो पसंद आता हो तो जरूर से जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसे हेडिंग क्या है, तालिबान सर्ज मतलब होता है बढ़ोतरी, वृद्धि। तो तालिबान की जिस तरह वृद्धि हो रही है इसलिए हेडिंग दिया गया तालिबान सर्ज ऑन कंधार अटैक। और कंधार में भी हालिया में जो अटैक हुआ कंधार पे, तो इसका रेफरेंस लेकर के ये दिया गया है तालिबान सर्ज विद द कंधार अटैक। यानी कंधार अटैक के साथ द मिलिटेंट्स स्ट्राइक अ ब्लो टू अफगान इलेक्शन एंड पीस प्रोसेसेस। जो कंधार में अटैक हुआ है ये मिलिटेंट अटैक के साथ ही ये एक बहुत बड़ा झटका है। इसके लिए झटका टू अफगान इलेक्शन एंड पीस प्रोसेसेस, यानी शांति की जो प्रक्रिया है और अफगान में जो चुनाव होने वाले हैं, इन दोनों के लिए एक बहुत बड़ा ब्लो है। ब्लो मीन्स झटका है। क्या मिलिटेंट स्ट्राइक जो है, उग्रवादी आतंकवादी स्ट्राइक जो है, ये एक बहुत बड़ा झटका है अफगान इलेक्शन के लिए और वहां की शांति प्रक्रिया के लिए। और ये अटैक जो है कंधार अटैक के बारे में हम बात कर रहे हैं। द अटैक ऑन अ हाई लेवल मीटिंग इनसाइड द गवर्नर्स कंपाउंड। एक हाई लेवल मीटिंग हो रही थी गवर्नर कंपाउंड, यानी राज्यपाल के परिसर में, कंपाउंड मतलब परिसर होता है, उसके अंदर अटैक हुआ। वहां पे अटैक ऑन अ हाई लेवल मीटिंग इनसाइड द गवर्नर्स कंपाउंड इन सदर्न कंधार ऑन थर्सडे। बृहस्पतिवार को एक हाई लेवल मीटिंग हो रही थी गवर्नर के परिसर के अंदर में, उस घर पे अटैक हुआ। वहां पे अटैक हुआ कंधार में, किलिंग टॉप ऑफिशियल्स। और इस अटैक में टॉप ऑफिशियल्स जो है वो घायल मर गए हैं। किलिंग यानी मार दिए गए। इज येट अनदर रिमाइंडर फॉर ऑफ द शार्पली डिटेरियोरेटिंग सिक्योरिटी सिचुएशंस इन अफगानिस्तान। देखिए ये क्या है, अभी मैंने क्या बताया कि गवर्नर्स कंपाउंड के अंदर में एक हाई लेवल मीटिंग हो रही थी, वहां पे अटैक हुआ। उसमें क्या हुआ, बहुत ऑफिशियल्स जो है टॉप ऑफिशियल्स मारे गए। अब उसके बाद क्या, इज येट अनदर रिमाइंडर, यानी ये एक और एक रिमाइंडर है, याद दिलाने वाला है इस चीज का, ऑफ द शार्पली डिटेरियोरेटिंग यानी बिगड़ती सिक्योरिटी सिचुएशंस जो वहां पे डिटेरियोरेट हो रहे हैं एकदम तेजी से, जो वहां के सुरक्षा के जो हालात है बिगड़ रहे हैं उसको ये दर्शाता है ये अटैक, जो कि एक हाई लेवल कंपाउंड के अंदर हो रहा था, गवर्नर्स के कंपाउंड के भीतर हो रहा था, उसमें उसके अंदर में अफगानिस्तान में ये जो अटैक है ये दर्शाता है कि जो हालात है वहां पे, सिक्योरिटी कंसर्न्स है कितने बिगड़ रहे हैं। इन रीसेंट ईयर्स, हालिया वर्षों में, द तालिबान हैड शोन इट्स कैपेबिलिटी टू इनफिल्ट्रेट ऑफिशियल्स मीटिंग्स एंड अटैक एनी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। देखिए अब क्या है कि तालिबान जो है हालिया वर्षों में क्या है, उन्होंने अपनी काफी कैपेबिलिटी को दर्शाया है, अपनी क्षमताओं को दर्शाया है। बाय व्हाट, बाय इन्फिल्ट्रेटिंग यानी घुसपैठ करके ऑफिशियल्स मीटिंग्स में और अटैक करके एनी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, किसी भी सरकारी बिल्डिंग गवर्नमेंट बिल्डिंग में
इनफिल्ट्रेट करके हमला करके उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी को हाल के वर्षों में दर्शाया है तालिबान ने. नॉट विद स्टैंडिंग क्लेम्स बाय द अथॉरिटीज ऑफ हाइटेंड सिक्योरिटी. और ये नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब ये जो उनका जो दावा है हाइटेंड सिक्योरिटी का, वो उसके दावा का एकदम विपरीत है. ये दोनों मैच नहीं करता है. दोस्तों ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसका पीडीएफ मैं आपको दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में अपने शेयर करूंगा. ये उसका लिंक है, चाहे तो आप इस लिंक से जा करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इंस्टेंटली आफ्टर द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल पोस्ट माय पीडीएफ इन दैट ग्रुप. सो इफ यू वांट टू गेट दैट पीडीएफ प्लीज ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप. इट्स अ वॉलंटरली फ्री डिसीजन. चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों. इयर्स एगो, एक साल पहले, द कांधार गवर्नर्स ऑफिस हैड कम अंडर अटैक बाय मिलिटेंट्स. एक साल पहले भी जो कांधार का गवर्नर्स ऑफिस था वो अटैक मिलिटेंट्स जो उग्रवादी के अटैक के दायरे में आया था, रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ डिप्टी गवर्नर. और इसका परिणाम ये हुआ था, डिप्टी गवर्नर वहां मारे गए, एम्बेसडर ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये तीनों की मृत्यु हो गई थी. यानी उस अटैक में डिप्टी गवर्नर मारे गए, एम्बेसडर मारे गए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के, एंड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वो मारे गए. थर्सडेज असॉल्ट, और ये बृहस्पतिवार का जो हमला था, हैपेंड एट अ मीटिंग, एक मीटिंग के दौरान हुआ, दैट वाज अटेंडेड बाय जनरल ऑस्टिन स्कॉट मिलर, द टॉप यूएस कमांडर इन अफगानिस्तान. अफगानिस्तान में टॉप यूएस कमांडर है, उनकी मीटिंग, वो मीटिंग कर रहे थे, अटेंड कर रहे थे, और उस मीटिंग में बृहस्पतिवार को यह हमला हुआ. यूएस ट्रूप्स लेटर सेड He was unhurt. और US troops बाद में उन्होंने बताया कि जो कोई unhurt थे, कोई hurt नहीं हुए. While जबकि General Abdul Razik, the Kandahar Police Chief, जबकि जो General Abdul Razik है, Kandahar Police Chief है, and Abdul Momin, Kandahar Intelligence Chief है, were killed. जबकि क्या है कि US troops ने बोला कि कोई hurt नहीं हुआ, लेकिन जो कंधार पुलिस चीफ है अब्दुल रजीक और कंधार इंटेलिजेंस चीफ है अब्दुल मोमिन, वो मारे गए. कंधार गवर्नर जलमाई वेसा वाज आल्सो टारगेटेड इन दैट अटैक. और ये जो कंधार के गवर्नर है जलमाई वेसा, इन पे भी अटैक किया गया. बट देयर वर कंफ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स About the status of his health. लेकिन उनके जो health के बारे में है, ये इन पे जो conflicting report है, परस्पर विरोधी report है. Razik was arguably the most powerful police commander in southern Afghanistan. Razik जो है, देखिए Razik मैंने अभी यहाँ पर बताया था, Razik ये जो commander police chief थे, Kandahar police chief, General Abdul Razik. तो उनके बारे में बताया जा रहा कि जो रजिक हैं वो यकीनन रूप से मोस्ट पावरफुल पुलिस कमांडर थे सदर्न अफगानिस्तान में. अ क्लोज अलाय ऑफ द यूएस, क्लोज अलाय मतलब मित्र होता है, तो जो क्लोज अलाय है जो यूएस का, ही हैड प्रीवियसली सर्वाइव्ड सेवरल अटेम्प्ट्स ऑन हिज लाइफ एंड वाज इंस्ट्रूमेंटल in coordinating the local police networks in the fight against the Taliban. और क्या है, a close ally of the US, US के जो close ally, he had previously survived. वो जो रजिक है पहले भी बचे थे, जीवित रहे थे, उनपे काफी attempts हुए थे, several attempts हुए थे उनके उनके हत्या करने के लिए, and was instrumental, वो काफी सहायक थे. किस चीज में सहायक थे, इन कोऑर्डिनेटिंग द लोकल पुलिस नेटवर्क्स इन द फाइट अगेंस्ट द तालिबान. तालिबान के साथ में फाइट करने के लिए वो जो रजिक थे काफी सहायक साबित होते थे और वो काफी सहायता भी करते थे इसमें. हिज डेथ विल लीव अ सिक्योरिटी वैकम इन द साउथ. और साउथ में जो दक्षिण में उनका जो मौत है, उनकी जो हत्या है, ये काफी एक सुरक्षा खालीपन पैदा करेगा, वैक्यूम बना देगा, ये सिक्योरिटी वैक्यूम बना देगा साउथ में, स्पेशली एट अ टाइम व्हेन द तालिबान हैज लॉन्च्ड एन ऑल आउट ऑफेंसिव.
वो भी स्पेशली ऐसे समय में जब तालिबान जो है एक ऑल आउट ऑफेंसिव आक्रामक हो चुका है, इस समय में एक उनकी जो मौत है एक सिक्योरिटी वैक्यूम पैदा करेगा। सिग्निफिकेंटली यानी गौरतलब है कि द कांधार अटैक हैपेंड टू डेज अहेड ऑफ द मच डिलेड पार्लियामेंट इलेक्शन। कांधार अटैक ऐसे समय में हुआ, दो दिन पहले हुआ, जब ये मच डिलेड पार्लियामेंट्री इलेक्शन वहां होने को है। फ्रॉम द डे द इलेक्शन डेट्स वर अनाउंस्ड, और जब से ये इलेक्शन डेट अनाउंस हुआ है उस दिन से, द तालिबान हैड वार्न्ड दोज पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस। तालिबान ने सभी को चेतावनी दी है जो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे इस प्रोसेस प्रक्रिया में। द सिक्योरिटी सिचुएशन इज सो डायर इन द कंट्री दैट 1/3 ऑफ द पोलिंग स्टेशन विल नॉट ओपन ऑन सैटरडे इलेक्शन डे। सिक्योरिटी कंसर्न्स इतने खराब है वहां पे कि पूरे देश में 1/3 ऑफ पोलिंग स्टेशन बंद रहेंगे, खुलेंगे नहीं शनिवार को इलेक्शन डे के दिन। ओवर द पास्ट कपल ऑफ मंथ्स, पिछले कुछ महीनों में द तालिबान हैज रिपीटेडली टारगेटेड इलेक्शन ऑफिसेस एंड गैदरिंग्स। पिछले कुछ मंथ में तालिबान ने रिपीटेडली यानी बार बार क्या किया है, इलेक्शन ऑफिसेस को टारगेट किया है और इस तरह की सभाओं को, किलिंग एटलीस्ट 10 कैंडिडेट्स एंड डजन ऑफ देयर सपोर्टर्स, जिसमें से कम 10 लोगों को वो मौत के घाट उतार चुके हैं और दर्जनों उनके सपोर्टर्स को मार चुके हैं। द ऑलरेडी ओवर स्ट्रेस्ड अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस विल नाउ हैव टू डील विद फॉल आउट ऑफ द कंधार स्ट्राइक। अब क्या है कि ऑलरेडी ओवर स्ट्रेस्ड अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस है, यानी ऑलरेडी जो काफी बोझ तले दबे हुए अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस, उनको अब क्या करना है, डील करना पड़ेगा फॉल आउट ऑफ द कंधार स्ट्राइक। फॉल आउट मतलब होता है द एडवर्स रिजल्ट ऑफ द सिचुएशन और एक्शंस, यानी इसका जो बहुत ही बुरा जो परिणाम होगा कंधार अटैक का, इसके साथ में भी डील करना पड़ेगा अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को। द अटैक इज अ सेटबैक फॉर द यूएस प्लान फॉर डायरेक्ट टॉक्स विद द तालिबान एज अ वे आउट ऑफ द 17 इयर्स लॉन्ग कंफ्लिक्ट। और ये क्या है, ये जो अटैक है एक बहुत ही झटका है, सेटबैक है फॉर हुम फॉर द यूएस प्लान, यूएस का प्लान फॉर अ डायरेक्ट टॉक्स, सीधी बातचीत किसके साथ, विद द तालिबान एज अ वे आउट ऑफ द 17 इयर्स कंफ्लिक्ट। जो 17 साल से जो कंफ्लिक्ट संघर्ष वहां चल रहा है उसके साथ में जो ये उनका बातचीत डायरेक्ट प्लान था असामान्य रूप से, उसके लिए सीधे तौर पर एक झटका है यूएस का जो प्लान था। सॉरी, जलमई खालीजाद द अमेरिकन स्पेशल एनवॉय मतलब राजदूत होता है, तो जो ये जलमय खालीजाद है अमेरिकन स्पेशल इन्वॉय टू अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के राजदूत है, अफगानिस्तान में अमेरिका के राजदूत है, रिसेंटली मेट तालिबान रिप्रेजेंटेटिव इन कतर। कतर में वो उन्होंने अभी मुलाकात की थी तालिबान रिप्रेजेंटेटिव के साथ में। द पुश फॉर टॉक्स कम्स फ्रॉम अ रियलाइजेशन दैट द वॉर हैज ड्रिफ्टेड इन टू अ स्टेलमेट एंड आउट राइट मिलिट्री सोल्यूशन कुड बी इम्पॉसिबल। देखिए क्या है, द पुश फॉर टॉक्स यानी जो बातचीत के लिए अब आगे बढ़े हैं, यूएस जो बातचीत के लिए आगे बढ़ा वो उसको एहसास होने के बाद कि वॉर जो है, वॉर हैज ड्रिफ्टेड इन टू अ स्टेलमेट, यानी वॉर जो है ड्रिफ्ट होके, यानी वॉक स्लोली और एमलेसली, कोई भी सिचुएशन एमलेसली अगर एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में आती है तो ड्रिफ्टेड हम यहाँ यूज करते हैं। तो क्या है कि वॉर ड्रिफ्ट होके आया है, एक क्या हुआ कि गतिरोध ही बना हुआ है 17 साल से। अभी कितना साल बताया मैंने, जो 17 साल का जो कंफ्लिक्ट था उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा अभी तक, तो ये जो गतिरोध है और इनको एहसास हुआ कि जो पूर्ण डायरेक्ट मिलिट्री सॉल्यूशन भी इम्पॉसिबल, कुड भी इम्पॉसिबल, यानी इस पे बातचीत ही करना पड़ेगा, इनको ये रियलाइज होने लगा। एंड एज इट फाइनली कम्स अराउंड टू द आइडिया ऑफ अ डायरेक्ट टॉक्स, एंड फाइनली ये जो डायरेक्ट बातचीत करने का ये आइडिया इस तरह आया,
The US is trying to turn up pressure on the military group through Pakistan. और जो यूनाइटेड स्टेट्स कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान के थ्रू मिलिटेंट ग्रुप को प्रेशर डाला जाए बातचीत के लिए, बट दिस स्ट्रेटेजी विल वर्क ओनली इफ द अफगान फोर्सेस एंड देयर अलाइज मेक सम एडवांसेस ऑन द ग्राउंड. लेकिन इसमें इस तरह की जो रणनीति है इसमें, बट दिस स्ट्रेटेजी विल ओनली work only if the Afghan forces and their allies make some advances on the ground. ये जो इस तरह की रणनीति है तभी काम करेगी जब अफगान फोर्सेस और उनके साथी जो है allies है वो कुछ प्रगति करेंगे ग्राउंड लेवल पे एंड ब्रिंग द तालिबान अंडर मिलिट्री प्रेशर, और तालिबान को एक मिलिट्री प्रेशर के अंदर में लाएंगे तभी ये काम करेगा. What is actually happening? Actually, अभी क्या हो रहा है? As incidents such as the Kandahar attack suggest, जो अभी incident हुआ है Kandahar attack, वो suggest ये करता है, is the opposite. ये different मतलब opposite suggest करता है. कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि अफगान forces को pressure में लाना है तालिबान को कि वो अंडर द टेबल आए बातचीत करें, लेकिन इस तरह का जो अटैक है उसके विपरीत दर्शाता है, विपरीत सिचुएशंस को दर्शाता है कि वो प्रेशर में आ ही नहीं रहे. जो अफगान तालिबान फोर्सेस है वो प्रेशर में आएंगे तभी, मिलिट्री प्रेशर में आएंगे तभी वो बात करेंगे, लेकिन उनपे कुछ है ही नहीं प्रेशर, इसलिए वो इस तरह के अटैक जो विपरीत चीजें दर्शाता है. Both the US and Afghan forces appear to be clueless. Both United States forces or Afghan forces. ये इसमें clueless वो नजर आ रही है. And how to stop the Taliban is advances. और Taliban को कैसे stop किया जाए इस पे ये कोशिश कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं. Advances, Taliban's, how the stop the Taliban advances, यानी ये Taliban advances मतलब Taliban की जो प्रगति है इसको कैसे रोका जाए, ये अभी तक ये इन लोगों के समझ में आ नहीं रहा, क्लूलेस इनको लग रहा. किनको किनको? यूएस को और अफगान फोर्सेस, इन दोनों को क्या लग रहा कि तालिबान जो तालिबान के जो एडवांसमेंट हो रहा, प्रगति हो रही है, उनकी वृद्धि हो रही है, उनके शक्तियों में इजाफा हो रहा, इस पे उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इसको रोका जाए, वो क्लूलेस हो रहा है इस विषय में. तो ये पूरा दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि क्या बेसिकली ये एडिटोरियल है. कंधार अटैक के बारे में बात किए हैं और तालिबान का जो अभी वहां पे वृद्धि हो रही है, उनके शक्तियों में इजाफा हो रहा, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस हमने किया. इस तरह के वीडियो दोस्तों आपको मिलते रहेंगे, हमारे चैनल से जुड़िए, लर्निंग हब को सब्सक्राइब कीजिए और भी अपने दोस्तों को शेयर कीजिए वीडियो, जिससे वो भी आपके साथ साथ उनको भी फायदा हो. तो दोस्तों ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगले वीडियो मिलते हैं.